हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। आज के इस सेशन से हम लोग अपने इस चैनल पर NCET 2025 के लिए ऑफिशियली प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप भी अगले साल 2025 में 4 ईयर ITEP BEd में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ज़रूर से इस चैनल से जुड़ें। और ये जो अपकमिंग सेशंस होने वाले हैं, जो कि आपके बेस क्रिएट करने के लिए मैंने डिज़ाइन किए हैं, इनसे ज़रूर जुड़ें। आज से 4 महीने बाद जब इन सेशंस को आप कंप्लीट कर लेंगे, जो भी मैं आपके लिए लेकर के आने वाली हूँ, आपकी प्रिपरेशन का बाकी बच्चों से बहुत ही ऊंचे दर्जे पर होने वाला है। दैट्स माय गारंटी। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ बच्चों, पिछले 2 साल से इस एग्ज़ाम को मैं कवर कर रही हूँ और क्या आना है क्या नहीं आना है, दैट इज एवरीथिंग आई हैव डिकोडेड अबाउट दिस एग्ज़ाम। ओके, सो डोंट वरी अबाउट सिलेबस, अबाउट व्हाट यू हैव टू स्टडी। जस्ट फोकस ऑन दीज सेशंस एंड यू विल बी ऑन द अनदर लेवल। आई होप यू आर गेटिंग मी। नाउ आज के इस सेशन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश वोकेबलरी, जो कि इंग्लिश पेपर, जो आपका लैंग्वेज पेपर होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। नाउ अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज से टीचर बनना है, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज पेपर में ज़्यादा मार्क्स आए। सो ये आपको सेशंस फॉलो करने हैं बहुत ध्यान से। अभी जो सेशंस मैं आपको ले करके आ रही हूँ आपके लिए, वो आपके बेस क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। सो बहुत बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, देन वी विल गो टू द हायर लेवल। आप सेशन दर सेशन में साथ जुड़े रहना है इसमें, राइट। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है NCET 2025 में इंग्लिश लैंग्वेज पेपर के लिए, दैट इज होमोफोन्स। नाउ ये होमोफोन्स क्या है, पहले इस पर बात कर लेते हैं, फिर हम आज कुछ 15 होमोफोन्स को डिस्कस करने वाले हैं, 15 होमोफोन्स को विथ एग्जाम्पल मीनिंग, एंड हम लोग विजुअली भी देखेंगे कि उनका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो एंड हिट दैट लाइक बटन, ताकि आप जैसे और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए, ठीक है। तो चलो होमोफोन्स की बात करते हैं हम लोग। होमोफोन्स बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज के वो वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, राइट। सुनने में वो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, उच्चारण उनका सेम है, बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट स्पेलिंग, ठीक है। सो होमोफोन्स हैव डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट स्पेलिंग, राइट, बट देयर प्रोनाउंसिएशन इज सेम। सो फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है और बहुत फेमस एग्जाम्पल है, दैट इज एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। अब देखिए प्रोनाउंसिएशन बोलने में, उच्चारण में बिल्कुल सेम है, बट दोनों के मीनिंग डिफरेंट है और स्पेलिंग भी डिफरेंट है, राइट। सो एक्सेप्ट जो पहला वर्ड है, एक्सेप्ट दैट इज स्वीकार करना, कोई चीज पक्की कर देना, ठीक है। सो आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी, मैं आपकी माफी स्वीकार करता हूँ। सो दैट इज द फर्स्ट वन, आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी। एंड एक्सेप्ट मतलब कि को छोड़कर, किसी चीज को छोड़कर बाकी सब चीजें जो अलाउड है, ओके। सो एवरीवन वाज इनवाइटेड एक्सेप्ट जॉन, सो जॉन को छोड़कर के, तभी यहां पर मैंने ब्रेकअप, हैंड पर ब्रेकअप मतलब कि रोकने का साइन लगा हुआ है, दैट मींस एक्सेप्ट उसको छोड़कर के सभी को बुलाया गया है, ओके। सो एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, राइट। सो दैट इज द फर्स्ट होमोफोन। आपको इंग्लिश की एक कॉपी बना लेनी है, जितने भी सेशन मैं आपके इंग्लिश के लेने वाली हूँ, अब से लेकर के जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती, सारी चीज़ें आपको उसी इंग्लिश की कॉपी में नोट करना है, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट होमोफोन इज बाय एंड बाय, ओके। अगेन देखिए प्रोनाउंसिएशन में सेम है। अब बाय मीन्स यहाँ पर क्या है, खरीदना, टू परचेस समथिंग, ओके। एंड बाय, दूसरा बाय, बी वाई, बाय मीन्स है द्वारा।
सो आई नीड टू बाय सम ग्रोसरी, मुझे कुछ ग्रोसरी खरीदनी है, मुझे कुछ सामग्री खरीदनी है. सो दैट इज द बाय, खरीदने वाला. एंड शी पास्ड बाय द स्टोर, वो यहाँ से स्टोर से निकली है या पास्ड बाय द स्टोर, स्टोर के द्वारा वो यहाँ से गई है. ओके, सो दैट इज द बाय एंड बाय. देन नेक्स्ट वन इज द फ्लावर एंड फ्लावर. ठीक है, सो फ्लावर एंड फ्लावर, दैट इज फ्लावर इज आटा, है ना, जिसकी रोटी बनती है. एंड दिस इज द फ्लावर, राइट. सो आई बेक्ड अ केक विथ फ्लावर, मैंने केक बनाया फ्लावर के साथ, आटे से. द गार्डन हैज अ ब्यूटिफुल फ्लावर, राइट. सो ये चीजें, बेसिक चीजें, बहुत बेसिक चीजें, बट कई बार ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगी. और जैसे मैंने कहा, बेसिक से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. सो अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो आप इन सेशन दर सेशन जब आते रहेंगे, देन डेफिनेटली यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट फोर्थ वन, फोर्थ वन इज हियर एंड हियर. ओके, सो फर्स्ट हियर इज सुनना, तो हम कान लगा कैसे सुनते हैं, है ना. हियर मीन्स सुनना, और हियर मतलब कि यहाँ. कम हियर एंड सिट डाउन, सो कम हियर एंड सिट डाउन, यहाँ आओ और बैठ जाओ. एंड दिस हियर, कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो. सो दैट इज द हियर, राइट. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज यस, नो एंड नो. नाउ हियर के इज साइलेंट, राइट, के इज साइलेंट, तो सो दैट्स व्हाई इट्स नो, मींस जानना. देखिए ये क्लिक होता है ना, आई नो दैट, मुझे पता है वो, सो वैसी वाली बात है यहाँ पर. एंड यहाँ पर नो मींस नहीं, ठीक है. सो आई नो द आंसर, आई नो द आंसर. एंड यहाँ पर नो आई डोंट नो वॉन्ट टू गो, मैं जाना नहीं चाहता या चाहती, ठीक है. सो विजुअली भी आप इजीली इस चीज़ों को समझ सकते हैं. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पर हमने तीन वर्ड्स लिए हैं, देयर, देयर एंड दे आर. सो दैट इज इन द शॉर्ट फॉर्म, देयर कहलाता है वो भी, ठीक है. सो देयर मीन्स उनका, उनका, है ना. सो देयर कार इज पार्क्ड आउटसाइड, उनकी कार आउटसाइड बाहर पार्क्ड है. देयर मतलब कि वहाँ. द बुक इज देयर, जब हम इशारा करके दिखाते हैं ना, देयर मतलब कि वहाँ. ओके, सो दे आर, यहाँ पर वे हैं. दे आर गोइंग टू द पार्टी, वह, एक्चुअली इट्स वह, 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 दे आर गोइंग टू पार्टी, वह पार्टी में जा रहे हैं. वे है नहीं, वह पार्टी में जा रहे हैं, ठीक है. सो इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ दे आर, सो दैट इज इन कॉल्ड दे आर, है ना, साथ में. ओके, नेक्स्ट राइट एंड राइट, सो राइट इज करेक्ट वन, सही होना. ओके, एंड राइट मीन्स लिखना, डब्ल्यू आर आई ई ई. सो यू आर राइट अबाउट द टेस्ट डेट, तुम सही थे टेस्ट की डेट को लेकर के, तुम सही थे. प्लीज राइट योर नेम, अपना नाम लिखो. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, पीस एंड पीस. अब देखो पीस का सिंबल क्या होता है, कबूतर, पीजन, दैट इज वाई पीजन यहाँ पर बनाया है. एंड पीसेज मतलब कि टुकड़े, ठीक है. सो पीस, पी ई ए सी ई मतलब शांति. सो लेट्स लिव इन पीस, चलो शांति से रहते हैं. एंड कैन आई हैव अ पीस ऑफ केक, क्या मुझे केक का एक टुकड़ा मिल सकता है. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, टू, टू एंड टू. सो यहाँ पर टू का मतलब है भी, एक टू मच भी होता है जिसका कंबाइंडली मीनिंग होता है ज़्यादा, है ना. एंड टू ये हमारा काउंटिंग नंबर वाला टू है, एंड टू को, ठीक. तो फर्स्ट टू, आई वॉन्ट टू गो टू, मुझे भी जाना है, मैं भी जाना चाहता हूँ, तो भी मतलब यहाँ पर टू है. ओके, आई हैव टू डॉग्स, मेरे पास दो कुत्ते हैं. वी वॉन्ट टू, वी वेंट टू द पार्क, हम पार्क को गए, पार्क को गए. तो टू मीन्स यहाँ पर क्या है, को, राइट. चलिए नेक्स्ट,
वेदर एंड वेदर, है ना। तो अब जब हमें देखो, एक वेदर तो एक हमारा मौसम होता है, मौसम किस तरह का वेदर है ना, सनी है, रेनी है, स्नोई है। सो द वेदर इज नाइस टुडे, आज का मौसम बहुत अच्छा है, दैट इज वेदर। ओके, और वेदर मतलब चाहे। अब जहां पर हमें चॉइस करनी हो या हम असमंजस में हो जहां पर, ठीक है। सो आई एम नॉट श्योर वेदर टू गो और स्टे, आई एम नॉट श्योर वेदर टू ईट आइसक्रीम और फेस टू टेक, राइट। सो ये इस तरह का यहाँ पर पिक्चर बना हुआ है। सो वेदर चाहे, है ना, जहां चॉइस करने की बात हो, वेदर, ठीक। नेक्स्ट, ब्रेक एंड ब्रेक। अब देखो यहां पर जो ब्रेक है, बी आर के ए की ब्रेक, ये वो वाला ब्रेक है जो गाड़ी में होता है, टू स्टॉप, प्रेस द ब्रेक टू स्टॉप, ठीक है, ब्रेक बना हुआ है। और दूसरा जो ब्रेक होता है, थोड़े समय के लिए रुकना अपने काम से, है ना, या किसी चीज को तोड़ देना, दोनों ही इसके मीनिंग होते हैं। ओके, सो ब्रेक एंड ब्रेक, सो प्रेस द ब्रेक टू स्टॉप एंड डोंट ब्रेक द ग्लास, ग्लास मत तोड़ो, ठीक है। नेक्स्ट, साइट एंड साइट। ओके, सो साइट मीन्स दृष्टि, नजर। द सनसेट इज अ ब्यूटिफुल साइट, ओके। एंड सेकेंड वन इज द साइट, द कंस्ट्रक्शन साइट इज बिजी, मतलब साइट मतलब कि प्लेस हो जाएगा एक तरह से। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, पेयर एंड पियर। पेयर मीन्स जोड़ी, पेयर ऑफ सॉक्स और पेयर ऑफ शूज। ओके, सो आई बॉट अ पेयर ऑफ शूज, मतलब मैंने एक जोड़ी जूते खरीदे हैं। एंड पियर, द पियर इज राइप, पियर जो है वो पका हुआ है, राइप मतलब कि पका हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टील एंड स्टील। स्टील, ये पहला वाला स्टील, चोरी करना। ही ट्राइड टू स्टील माय वॉलेट, उसने मेरे वॉलेट को, मेरे पर्स को चुराने की कोशिश की। एंड सेकेंड वन इज द स्टील, है ना, मटेरियल। द बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ स्टील, ये बिल्डिंग किससे मिलकर के बनी है, स्टील से मिलकर के बनी है, राइट, इस्पात। देन लास्ट वन, वीक एंड वीक। वीक यहाँ पर W E A K, वीक मीन्स कमजोर, एंड V E E K, वीक मीन्स सप्ताह। सो ही फेल्ट वीक आफ्टर द वर्कआउट, वर्कआउट करने के बाद वो वीक फील करता है, कमजोर फील करता है, ठीक है। एंड दूसरा, आई विल विजिट यू नेक्स्ट वीक, मैं तुमसे मिलने नेक्स्ट वीक आऊंगा, सो दैट इज वीक ऑफ द कैलेंडर, ठीक है। सो दीज आर द 15 होमोफोन्स जो अक्सर हमें डेली लाइफ में कंफ्यूज करते हैं। दिस सेशन वॉज टू, दिस सेशन इज फॉर टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट, राइट, योर बेस, ठीक है। नाउ जैसे जैसे हम इन सेशंस में आगे बढ़ेंगे, वी विल मूव टू मोर कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। आई होप यू लाइक द सेशन। इफ यू लाइक, डू लाइक टू सब्सक्राइब एंड डू लाइक दिस सेशन ऑल्सो। थैंक यू सो मच, सून वी विल मीट इन टू द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, बाय।